डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है? इसको आप कैसे अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं? तो देखते रहिए मेरे वीडियो को, मैं आपको बताऊंगा। मैं नरसिंह कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन एक सिक्योरिटी लेयर होता है। इसका यूज आपके अकाउंट को सिक्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो, या आपका जीमेल अकाउंट हो, या आपका व्हाट्सएप हो, जैसे आप अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लेते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट हैक करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि नामुमकिन तो नहीं, क्योंकि कोई ऐसा चीज़ नहीं जो हैक नहीं हो सकता इंटरनेट की दुनिया में। तो ऐसे में आप सोचते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन काम कैसे करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर से यूज होता है। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन में आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होता है। जैसे आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद जब कभी आप अपना अकाउंट को बाहर से लॉगिन करते हैं, या कोई नेटवर्क से, या कोई सिस्टम में लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपके पास एक OTP पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। तब तक उस OTP पासवर्ड को आप अपना अकाउंट ओपन करते वक्त इंटर नहीं करेंगे, तब तक आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस तरह आपको अकाउंट को हैक होने से बचाता है। यानी कोई यूजर या कोई हैकर आपके अकाउंट को ऑथोराइज यूज करना चाहता हो, तो उसके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड होना ज़रूरी है, तभी वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दोस्तों, इस तरह आप अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन की मदद से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट हैक ना हो, तो मैं आपको एडवाइस करता हूं कि आप अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लें। चलिए हम लोग सीखते हैं कि अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कैसे कर सकते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जीमेल ऐप ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद से इस आइकन पे क्लिक करना है आपको। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद से मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे चले जाएँगे। यहाँ पर दिखा रहा है टू स्टेप वेरिफिकेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे और कोई एक ब्राउज़र में साइनअप करेंगे। मैं मोबाइल में ओपन किया हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले डेस्कटॉप साइड कर लूँगा इसको। 3 डॉट पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप साइड करेंगे। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे जाएंगे। गेट स्टार्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। फिर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें हम अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। चलिए मैं इंटर कर लेता हूँ। इंटर करने के बाद से नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। आप OTP टेक्स्ट द्वारा लेना चाहते हैं कि फ़ोन कॉल पर? तो मैं टेक्स्ट द्वारा लेना चाहता हूँ, तो सेंड OTP वाले पर आइकन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद से जो OTP आया है उसको यहाँ पे हम इंटर करेंगे। मैं इंटर कर लिया हूँ। उसके बाद से मैं नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। क्या आप अपने मोबाइल में टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हैं? टर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, टर्न ऑन कर लूँगा। देखिए, आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव हो गया दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए आपका नंबर वेरीफाइड लिख रहा है, आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव हो गया। टू स्टेप वेरिफिकेशन को बंद करना हो तो यहाँ से आप इसको आकर ऑफ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कैसे ही नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।